सेमेस्टर वन के तमाम विद्यार्थियों को राजेश कुमार गौतम सर की ओर से नौ वर्ष की हार्दिक बधाई। और मैंने पिछले वर्ष यानी 2020 में आप सबों के लिए जेनरिक के लिए एक वीडियो बनाया था, और जेनरिक का वीडियो के अपार सफलता के बाद मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों ने जेनरिक की पढ़ाई को आगे बदस्तूर जारी रखने के लिए रिक्वेस्ट भेजा। बहुत सारे विद्यार्थियों का कॉल आया, तो डिसाइड किया कि 9 वर्ष की बधाई के साथ में आप लोगों के लिए, अब चूंकि परीक्षा आप लोगों की नजदीक है, कुछ ही महीनों में होगी, तो जेनरिक जो कि ऑनर्स सेमेस्टर वन का पेपर है, और मैं आप लोगों के लिए जेनरिक इंग्लिश के लिए वीडियो ये बना रहा हूं, और ये साइंस स्ट्रीम में पढ़ने वाले आर्ट्स और कॉमर्स, साइंस आर्ट्स कॉमर्स ये तीनों संकाय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है, और कोशिश किया जा रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, कमेंट करें, ताकि आप लोगों की समस्याओं को हम बखूबी समझने की कोशिश करें और उसको फिर दूर करने का प्रयास करें। तो हमारा टॉपिक है आज नोट मेकिंग। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आपका एक्सटर्नल एग्जाम जो है वो 40 मार्क्स का होगा और इंटरनल 10 मार्क्स का होगा। तो आज एक्सटर्नल मार्क्स जो 40 नंबर का जो एग्जाम होगा उसमें आपको उस 40 मार्क्स में पढ़ना क्या क्या है इसकी तो जानकारी दे ही दी गई है। तो आज हम उसमें से शुरू करते हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग आखिर हम लोग तैयार कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, बहुत लोगों के जहन में ये प्रश्न होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही सामान्य तरीके से नोट मेकिंग, अक्सर जब हम लोग पढ़ते हैं स्कूल या कॉलेज में तो लोगों को हम लोगों ने कहते सुना है कि नोट्स लाने जा रहे हैं, ये सर का नोट्स लेने जा रहे हैं, वो सर का नोट्स लेने जा रहे हैं। तो नोट से ही नोट्स बना है, तो जो महत्वपूर्ण चीजों को नोट किया जाए उसी को नोट करते करते जब एक आपका पेपर तैयार हो जाए तो वही नोट्स हो गया। तो उसी तरह से सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे, यही नोट मेकिंग है। और आज हम नोट मेकिंग में क्या क्या चीजों को फॉलो करना है इसकी चर्चा में करूंगा। नोट मेकिंग शुरू करने से पहले ही हम देख लें कि उसका मैकेनिक्स क्या है, आखिर नोट मेकिंग को बनाने से पहले क्या क्या किन किन महत्वपूर्ण चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। नोट मेकिंग इन्वॉल्व्स अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग आउट पॉइंट्स फ्रॉम अ पैसेज। बच्चों, नोट मेकिंग एक ऐसा चीज है जिसमें कि आपको निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अभ्यास हम करेंगे कैसे, कोई भी पैसेज को हिंदी में अवतरण करते हैं, पैसेज ले लीजिए, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आप निकाल कर लिखिए और उसी से नोट बन जाएगा, और वही नोट है, वही नोट्स है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई किताब से नोट्स बनाते हैं तो किताब को हूबहू कहीं छाप देते हैं, ऐसा नहीं होता। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लिखते हैं, तो वही नोट मेकिंग है। दिस इज अ वेरी स्किल्ड वर्क, ये बहुत ही हुनरमंद काम है। जैसे हुनर जिसके पास है वही ये कर पाएंगे, तो हुनर आएगा कहां से, तो उसी के लिए आज मैं चर्चा कर रहा हूं यहां कि आपके हाथ में ये हुनर आ जाए कि आप नोट बना सके, नोट मेकिंग कर सके। व्हाइल मेकिंग नोट्स, जब हम नोट्स बनाएंगे तो हमको बेसिकली किन चीजों का ख्याल रखना है, नोट्स बनाते वक्त जिन चीजों का ख्याल रखना है, फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड, उसकी चर्चा में अभी आगे कर रहा हूं। सबसे पहला चीज है रीड द गिवन पैसेज एंड डिवाइड इट इन थ्री पार्ट्स टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। कहता है कि कोई भी पैसेज को, जो भी पैसेज जिसको हिंदी में हम लोग अवतरण करते हैं, दिया हुआ है आपके प्रश्न में, तो चूंकि वो थोड़ा लंबा होता है, बड़ा होता है, तो आप अपने मन में उसको तीन भागों में विभक्त कर लें, और विभक्त इस प्रकार करें ताकि हर एक पार्ट को आप अच्छे से समझ सके। तो यहां वही बताया गया है कि रीड द गिवन पैसेज एंड डिवाइड इट इन थ्री पार्ट्स टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। दूसरा पॉइंट है गिव हेडिंग
और टाइटल फ्रॉम ईच डिवीजन एंड राइट द सेम इन आंसर शीट। अब जब हम किसी भी पैसेज को तीन पार्ट में बांटेंगे तो हम तीनों पार्ट का क्या करेंगे, अलग अलग हेडिंग देंगे। किस पार्ट में किस चीज पे विशेष रूप से फोकस किया गया है, किन चीजों के बारे में ज्यादा लिखा गया है, या उस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड्स क्या है, या उसका एब्रीविएशन जो उसमें दिए हैं वो हम तैयार करेंगे और उसके बाद उसका हेडिंग देते चले जाएंगे। इस प्रकार हमारा तीन प्रमुख हेडिंग होगा और फिर हर हेडिंग के नीचे सब हेडिंग होगा। अब बहुत बच्चे ये गलती नहीं कर बैठिएगा कि जो मैं लिखा रहा हूं यही नोट है, ये नोट नहीं है, मैं ये नोट नहीं बना रहा हूं। नोट या नोट्स बनेगा कैसे, उसको बनाने के लिए क्या प्रक्रिया है, क्या तरीका है, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप इसी वीडियो में जो चीजें मैंने लिखी आप इसी को याद करना शुरू कर दें और कोशिश करें कि एग्जाम में यही छाप दें, यही नोट मेकिंग है। नहीं, मैं आपको नोट मेकिंग का विधि बता रहा हूं, प्रोसेस बता रहा हूं, पद्धति बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं कि नोट मेकिंग किया कैसे जाएगा, नोट मेकिंग होगा कैसे। तो इसके लिए मैं ये मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग पे मैं चर्चा कर रहा था कि नोट मेकिंग के लिए क्या क्या हमको मैकेनिक्स है, क्या क्या मैकेनिज्म, क्या क्या चीजें हैं जिनको हमको फॉलो करना। तीसरा पॉइंट है सेलेक्ट सुटेबल एंड इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स फ्रॉम दीज पैराग्राफ्स। मैंने पहले बताया कि जो भी आपके पास पैसेज रहेगा उस पैसेज को तीन भागों में बांट दें, एक दो तीन पार्ट में उसे बांट दें। और अब तीन पार्ट में तीन पैराग्राफ मेरा हो गया, तीन अनुच्छेद हो गया, तीन खंड बट गया, तो उसमें से सेलेक्ट करें, चुने सुटेबल, जो सुटेबल हो, जो सुंदर हो, ठीक ठाक हो, जो सूट करे वहां, एंड इंफॉर्मेटिव, जो बहुत ही सूचनादायी हो, पॉइंट्स फ्रॉम दिस पैराग्राफ्स, इन सारे पैराग्राफ से। पॉइंट फोर, नोट्स शुड बी इन पॉइंट्स, कि नोट्स पॉइंट्स में होना चाहिए, बिंदुवार होना चाहिए। दे मस्ट बी शॉर्ट, रेलिवेंट एंड सिस्टमैटिक, छोटा होना चाहिए, रेलिवेंट तर्कसंगत होना चाहिए और सिस्टमैटिक होना चाहिए। डू नॉट राइट फुल सेंटेंसेस, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं उतार देना है। अब चर्चा करेंगे सिक्स पॉइंट का, कि सिक्स पॉइंट्स में आखिर सिक्स पॉइंट में क्या है। तो देयर शुड बी डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ आइडियाज, कि जो भी आइडियाज है, जो भी सूचना है, उसका क्या होना चाहिए, खंड और उपखंड होना चाहिए। डिवीजन और सब डिवीजन उसको आनी बांटना है, पहले खंड में और फिर उस खंड के अंदर फिर खंड बनाएंगे छोटे छोटे, तो इसीलिए डिवीजन और सब डिवीजन का यहां प्रयोग किया गया है। एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त जो उच्चारण है, एब्रीविएशन कैन बी यूज्ड इफ दीज आर रिकॉग्नाइजेबल, कहता है कि अगर किसी शब्द को आप संक्षिप्त में पहचान जाएंगे तो उसको शॉर्ट में लिखें। जब नोट मेकिंग का प्रोसेस करेंगे तो क्या है कि एब्रीविएशन में लिखने की भी कोशिश करेंगे वैसे वर्ड्स को जिसको आप बाद में पहचान के फिर विस्तार में लिख सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द कंप्लीट पैसेज, जब पैसेज को कंप्लीटली आप पढ़ लेंगे तो इवॉल्व अ टाइटल और हेडिंग, तो उसका एक टाइटल देना है, एक शीर्षक देना है, एक हेडिंग देना है टू द पैसेज, कि इस पैसेज का आखिर सटीक जो है सो क्या होगा हेडिंग। द टाइटल शुड एक्सप्रेस मेन थॉट ऑफ द पैसेज, और जो टाइटल देंगे उस पैसेज का, जो हेडिंग देंगे या टाइटल देंगे, जो शीर्षक देंगे, उस शीर्षक से ये परिलक्षित होना चाहिए, ये पता चलना चाहिए कि उस टाइटल के नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि इस पैसेज में किस चीज के बारे में चर्चा की गई है। इस प्रकार की पढ़ाई हम लोग जब छात्र जीवन में टेंथ की पढ़ाई कर रहे होंगे आप लोग, तो सारांश रहता होगा, तो उसमें क्या करते होंगे कि आप उसको संक्षेपण हम लोग करते थे, तो संक्षेपण में इसी तरह की होती थी पढ़ाई, कि संक्षेपण में जैसे जितने शब्द में पैसेज दिया गया है उसको तीन से हम लोग भागा दे देते थे, और इस प्रकार जितने वर्ड्स में जितना वर्ड्स आता था उतने वर्ड्स में हम लोग को संक्षेपण लिखना रहता था उस अवतरण का, और उसमें से एक सुटेबल सा हेडिंग डालना रहता था। तो कमोबेश उसी तरह से ये मिलता जुलता चीज है,
उसी का एक थोड़ा एडवांस स्वरूप है इसका, ये नोट मेकिंग जो कि हम चर्चा कर रहे हैं आज। और आज ये टॉपिक मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं कि ये टॉपिक जो नोट मेकिंग सीखना चाहते हैं तो नोट मेकिंग सीखने के पहले आप ये 9 पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश कर लेंगे। जिन बच्चों को यहाँ ये सारी चीजें क्लियरली समझ में नहीं आ रही है वो वीडियोस के व्हाट्सएप नंबर पे अपनी समस्या को रख सकते हैं या कमेंट्स के जरिए भी अपनी समस्या रख सकते हैं। कोशिश किया जाएगा कि नेक्स्ट वीडियो में उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। इस वीडियो के बाद एक और टॉपिक है जिसमें आपको फॉर्मेट यानी पूरा ढांचा, पूरा सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, नोट मेकिंग का पूरा ढांचा दिया जाएगा और उसके बाद अभ्यास के साथ आपको बना के दिखाया जाएगा कि कैसे नोट मेकिंग को बनाना है। जी धन्यवाद।